ममता सृष्टि का आधार, यदि मेरे जीवन का सार प्रेम था तो उसका आधार ममता थी। धरा की ममता ने मुझे कभी मत्स्य बनाया तो कभी कूर्म बनकर मंदराचल धारण करवाया। इसी ममता ने कभी वराह बनकर धरा को समुद्र से निकलवाया तो कभी प्रह्लाद की रक्षा करने नरसिंह बनकर खम से प्रकट करवाया। इसी ममता ने कभी वामन बनाकर तीन पग में त्रिलोक नापना सिखाया तो कभी परशुराम बनाकर धरा को दुष्टविहीन करवाया। राम बन के जन्मा तो एक नहीं तीन तीन माताओं का वात्सल्य पाया और फिर उनकी अधूरी इच्छाओं को पूर्ण करने मुझे लेना पड़ा पूर्ण अवतार। यशोदा शीघ्र करो। यशोदा उन्हें उसी के विचारों में खो गई। विचार तो हर बार उसका ही रहता है जो अभी है ही नहीं, मेरा लल्ला। परंतु उसका रूप हर बार भिन्न होता है। यशोदा खुली आंखों से देखे स्वप्न कभी पूर्ण नहीं होते। इतने वर्ष बीत गए हैं और जानती हूं तन से मां नहीं बन पाई हूं, परंतु मन से मां हूं। देखना आ रही एक दिन मेरा देखा हर स्वप्न सत्य होगा। अपनी गोद में बैठाकर अपने लल्ला को अपने हाथों से माखन खिलाऊंगी। और इस समय तो ये माखन मथुरा जाएगा। गोकुल के सभी घरों से दूध और माखन लेने के लिए कंस के सैनिक किसी भी समय आ सकते हैं। न जाने कब इस कंस का आतंक समाप्त होगा। यशोदा आतंक हो या आदेश, राजा का हो तो मानना ही पड़ता है। और कंस मथुरा का राजा है। कंस के लिए महत्वपूर्ण ये नहीं कि गोकुल के बच्चे भूखे रहें, गायों के बछड़े अपने माँ के दूध के लिए तरसे। उसकी मंशा तो केवल इतनी है कि मथुरा में उसके अतिथियों के स्वागत में कोई भी त्रुटि ना रहे। मेरे जमाता कंस ने अपने अतिथियों के लिए अति उत्तम प्रबंध किए हैं, क्यों मानस? निसंदेह सम्राट जरासंध, गोकुल की गायों का दूध अत्यंत स्वादिष्ट है। ये तो जमाता कंस के भय का चमत्कार है नारकासुर। कंस के भय के कारण गोकुल की गायें अधिक और गाढ़ा दूध देती है। आनंद आ गया आनंद। शांत कैसे शांत रहूं मैं अर्जुन? कैसा भाई है मेरा जो गोकुल के बछड़ों और बालकों के मुख से उनका ग्रास छीन रहा है।
बच्चे भूखे हैं और ये उनकी विवशता का उपहास उड़ा रहे हैं। कभी कभी तो मन करता है कि मैं नहीं देवकी, नहीं, भूलो मत, वो पल आने ही वाला है जिस पल के लिए तुमने ये सब सहा है। आवेश में आकर उसे बिगाड़ना मत। कन्यादान का समय हो गया है, वधू के पिता को बुलाइए। सही कहा आपने आर्य, मैं उस पल को बिगाड़ नहीं सकती। वर्षों के बाद पिताश्री को देखूंगी, उनसे मिलूंगी, उनका मुस्कुरा के स्वागत करूंगी। सावधान, मथुरापति महाराज कंस सभा में प्रवेश कर रहे हैं। महाराज कंस की जय। 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 अरे मूर्ख, शांत करो इसे, अन्यथा तुम्हारे साथ मेरे भी प्राण जाएंगे। शांत हो जा पुत्र, शांत हो जा, ईश्वर के लिए शांत हो जा। क्षमा कर दीजिए, इसे छोटा सा बालक है। मथुरा के बालक को भी ज्ञात होना चाहिए महाराज की सभा में शांत रहना होता है। समझदार बच्चा है, लंबा जिएगा। महाराज की जय हो। शुभ समय पर पधारे, कन्यादान का मुहूर्त हो चुका है, कुमारी देवकी के पिता को बुलाइए। क्यों, क्या भाई बहन का कन्यादान नहीं कर सकता? क्षमा करें महाराज, परंतु पिता के जीवित होते हुए। पुरोहित, तुमने सुना नहीं मथुरापति ने क्या पूछा? कंस की मथुरा में दूध मुआ बच्चा भी जानता है कि महाराज के सामने कब चुप हो जाना चाहिए। भाई कन्यादान कर तो सकते हैं। क्योंकि तुम्हारा यह भाई तुमसे बहुत प्रेम करता है और जो प्रेम करता है उसे अधिकार मिलता है। क्या अपने कन्यादान करने का अधिकार अपने भाई से छीन लोगे?
मैं आपसे कैसे कुछ छीन सकती हूँ भैया? वीर सागर तो शांति का प्रतीक है, यहाँ ऐसी लहरें, इसका अर्थ क्या हो सकता है देवराज? कोई ऐसी घटना घटने वाली है जो संसार को बदल कर रख देगी, दर्शन देकर हमारे भय को अभय में बदले। जागिए नारायण जागिए। प्रणाम नारायण, प्रणाम माता। अस्थिरता, यही अस्थिरता झलक रही है क्षीर सागर में। इस अस्थिरता का कारण और कोई नहीं, कंस का आतंक है। वो आतंक जो प्रतिपल बढ़ता जा रहा है, और अब इस आतंक का अंत करने, अब इस संसार में स्थिरता लाने मुझे ही आगे आना होगा। समय आ गया है एक महान घोषणा करने का। कैसी घोषणा नारायण?